का लोकार्पण करने के पश्चात उज्जैन शहर में हर दिन देश विदेश से 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। श्रद्धालुओं को अपने इस धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा में सुखद अनुभव देने के लिए उज्जैन स्मार्ट सिटी नित नई पहल करती आई है। भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और FSSAI ने मिलकर भारत में स्ट्रीट फूड को क्लीन और हाइजीनिक बनाने की संकल्पना की है, जिसके अंतर्गत भारत के अलग अलग 100 शहरों में ईट राइट इंडिया योजना के तहत हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट बनाए जाएंगे। उज्जैन स्मार्ट सिटी भारत सरकार और FSSAI की उसी ईट राइट इंडिया योजना के तहत निर्माण कर रहा है प्रसादम का। उज्जैन हमारे देश का पहला शहर बनने जा रहा है जहाँ स्ट्रीट फूड को क्लीन एंड हाइजीनिक बनाने की पहल करते हुए एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर मालवा तथा उज्जैन के प्रसिद्ध व्यंजनों के आउटलेट का दर्शनार्थी आनंद उठा पाएंगे। प्रसादम 900 स्क्वायर मीटर्स में निर्मित क्षेत्र है, जिसमें दुकानों का निर्माण करके बीचों बीच यात्रियों के लिए आरामदायक रूप से बैठकर भोजन करने की व्यवस्था होगी। प्रसादम की खास बातें ये रहेंगी कि एक प्लास्टिक फ्री जोन रहेगा, इसलिए यहाँ आपको कई जगह डस्टबिन नजर आएंगे। यहाँ पर कार्य करने वाले सभी लोग पूरी तरह से हाइजीन का ध्यान रखेंगे, जैसे ग्लव, गैप्स और एप्रन पहनना आदि। प्रसादम में केवल बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में ही भोजन प्रदान किया जाएगा। प्रसादम में पर्यटकों के मनोरंजन के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम जैसे लाइव म्यूजिक प्रोग्राम, सांस्कृतिक उत्सव और अलग अलग प्रकार की वर्कशॉप भी आयोजित की जाएगी। प्रसादम फूड हब में डिजिटल मेन्यू बोर्ड और ड्रिंक कियोस्क, प्री ऑर्डरिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी तकनीकी सुविधाएं शामिल होंगी। पर्यटकों के लिए पीने का पानी उपलब्ध होगा। खाद्य पदार्थों की जांच के लिए यहां पर मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से समय समय पर सारे खाद्य पदार्थों की जांच होती रहेगी, जिसकी वजह से प्रसादम मिलावट से मुक्ति का केंद्र बनने जा रहा है। खास बात ये है कि इन सभी के लिए यात्रियों को शहर में जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रसादम मंदिर के नए स्मार्ट पार्किंग के पास ही है। प्रसादम के साथ ही अवंतिका हाट का भी निर्माण किया गया है। अवंतिका हाट में स्थानीय विक्रेताओं को विशेष स्थान मिलेगा, जहां पर उज्जैन के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महाकालेश्वर मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, स्वर्ण मंदिर, जिन्हें भोग प्रमाणीकरण मिला हुआ है, उन मंदिरों के भोग, प्रसाद, पूजा की सामग्री और अन्य स्थानीय सामग्री भी उपलब्ध होगी। भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और FSSAI की ये अद्भुत पहल उन लाखों श्रद्धालुओं के लिए है जो हर वर्ष उज्जैन महाकाल महालोक की ओर बढ़ रहे हैं। उज्जैन स्मार्ट सिटी का निरंतर यही प्रयास है कि यात्रियों को स्मार्ट सुविधाएं प्राप्त हो, और ये इस स्वर्णिम नगर को अद्वितीय धरोहर बना रहा है।